नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट, मैं हूं वंदना। कोरोना वायरस का असर पूरा विश्व में है और अभी देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस बार बिहार सरकार से लेकर बिहार पुलिस भी काफी सख्त है और इस लॉकडाउन को सफल बनाने में अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। इस वक्त इसी सब बातचीत पर सिलसिले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री नीरज कुमार जी। सर, जिस तरह से अभी लोग दिहाड़ी मजदूर हुए हैं वो अन्य राज्य में फंसे हुए हैं और आपने अब नंबर भी जारी किया है, उन लोगों को भी मदद पहुंचा रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और उन पर तंज कसते आ रहे हैं विपक्ष के जो पार्टी हैं, और उनका कहना है कि सिर्फ सरकार राजनीति कर रही है कोरोना वायरस को लेकर के, दिहाड़ी मजदूर को लेकर के। क्या कहेंगे आप? ये राजनीति का समय नहीं है। राजनीति का समय है जब इस महायुद्ध में हम जीत कर निकल जाएंगे उस, और वह जनता के संकल्प शक्ति और सरकार के द्वारा दी गई आर्थिक सुरक्षा की बुनियाद पर ही हो सकता है। अब प्रतिपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। कुछ अनुसंधान करिए, कुछ सीखिए। विल गेट्स जैसे लोग इस महायुद्ध में बिहार की मदद कर रहे हैं और आप राजनीतिक टिप्पणी से बाज नहीं आ रहे हैं। अरे, प्रवासी बिहारी हैं, वो हमारे हैं, उनके लिए हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर सीमित संसाधन में, बिहार जैसा जनसंख्या घनत्व के राज्य में, हम लोगों ने ऐप डेवलप किया। ऐप से लोगों को सहायता मिल रही है, तो उनको यह बताना चाहिए कि ऐप को जो डाउनलोड करना है उसमें एक आध आदमी का मदद किया बोहनी हुआ है कि नहीं, कि नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। साथ ही साथ हम यह भी अनुरोध करेंगे कि भाई, लालू जी की पार्टी है, लालू जी भले जेल के अंदर में हैं, सजा याफ्ता हैं, उनको मुंबई में रहे, इलाज भी उनका हुआ है, तो उनको, उनके बेटा को चाहने वाला तो बहुत लोग होगा, तो उनसे मदद मांग करके कुछ मदद करिए। लोगों की मदद करना चाहिए, संस्कार मदद का रखिए। यह अब आलोचना का यह समय नहीं है। आलोचना के लिए खाता बही ले कर करके बैठ जाइएगा इस महायुद्ध के से जब हम निकल करके आएंगे। और प्रवासी बिहारी की चिंता स्वाभाविक है, और केवल यह बिहार के ही मुख्यमंत्री जी नहीं चिंता कर रहे हैं, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी चिंता व्यक्त किया। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि हमारे यहाँ के निवासी सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, लेकिन संभवतः देश का पहला राज्य बिहार बना जिसने प्रवासी बिहारियों की एक सीमित आर्थिक सहायता करने का निर्णय लिया। वहाँ तो उनको लाभ दिया व्यक्तिगत स्तर पर, या प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, उनके परिजन अगर गांव के अंदर में रह रहे हैं तो उनकी भी सहायता के लिए सरकार ने योजना बनाई। क्या कारण है? लॉकडाउन को सफल बनाना है। कोई व्यक्ति अगर लॉकडाउन में घर के अंदर रहेगा तो उसको सफलता की तो बुनियाद चाहिए, तो उसको राशन चाहिए, उसको साधन चाहिए। जो भी हम लोगों से बन पड़ा है, हम लोग ईमानदारी के साथ उस काम को किए हैं। सूचना प्रसारण विभाग किस तरह से लोगों को मदद कर रहा है और क्या क्या नई नई जो अभी जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं? IPRD समाचार रोज प्रसारित होता है, कृपा करके उसको लोग देखें। साथ ही साथ हमारे विभाग के सचिव अनुपम कुमार जी प्रत्येक दिन राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को मीडिया को संबोधित करके बताते हैं, तो उसको देखना चाहिए IPRD के साइट पर। साथ ही साथ जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ आप कैसे लेंगे उसके बारे में प्रक्रिया बताई जाती है। तो आज संचार युग है, आज कोरोना वायरस से लड़ने का है। बहुत सारे जगहों पर अखबार नहीं जा पा रहा है, सोशल मीडिया का बड़ा रोल है, व्हाट्सएप का बड़ा रोल है, तो लोग उसका इस्तेमाल इन चीज़ों में करें। नकारात्मक चीज़ें से, नकारात्मक बातें दिमाग में आती है, मानसिक तनाव में भी रहिएगा और ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा विपक्ष को। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि अपनी सेवा सकारात्मक रूप से, सेवा के मामले में अपनी भूमिका अदा करिए। सलाह दीजिए कि इसको और कैसे बेहतर पारदर्शी तरीके से इसको पहुँचे। जैसे हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करवा रहे हैं बैंक अकाउंट में, तो बिन चड्ढा का तो कहीं कोई जगह योगदान है नहीं, कोई दलाल बीच में नहीं काम कर सकता, बैंक अकाउंट में जा रहा है। तो आपको ये बताना चाहिए कि और क्या करना चाहिए। तो सलाह केवल देने से, सलाह दीजिएगा तो उसकी पात्रता भी तो आप में होनी चाहिए। खुद कहाँ लापता है, गुमशुदा है, आकाश में है कि पाताल में है, कहाँ है, ये किसी को नहीं मालूम। कम से कम आप तो अपना लोकेशन जारी करिए,
लोकेशन जारी करना चाहिए हर व्यक्ति को। आज आप विपक्ष के नेता, आपकी कोई नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती है, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी। जब विधानमंडल का सत्र हुआ और स्थगित हुआ, उस दिन तय हो गया कि बिहार में कोरोना से हमको लड़ना है, तो उसके बाद लापता कहाँ है अब? इसका मतलब है साफ कि आपको कोरोना संक्रमण से लड़ाई में कोई रुचि नहीं है। अगर रुचि रहती तो 16 तारीख के बाद से, जैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 12 मार्च से इसकी विधिवत शुरुआत उन्होंने कर दिया, विभिन्न विभागों की बैठक करके 16 मार्च को विधानमंडल को स्थगित किया और कोरोना संक्रमण से लड़ाई के लिए रोज समीक्षा बैठक करते हैं, लोगों की से जानकारी लेते हैं। लेकिन 16 मार्च को विधानमंडल में आप उपस्थित थे, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, उसके बाद आप लापता हुए हैं। ये गंभीर मामला है, यह बताता है कि आप राजनीति में केवल मुंह की राजनीति करते हैं, मुद्दों की राजनीति करना और जूझना, समस्याओं से भिड़ना, यह आपके राजनीति के संस्कार का अंग नहीं बना है, इसकी पीड़ा मुझे जरूर है जी। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि इस साल चुनावी साल है और इसी बीच वैश्विक महामारी जो है संकट से लोग जूझ रहे हैं, इसमें आप बिहार वासियों को से क्या अपील करेंगे? कि सरकारें बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, मानवता बचेगी तब ना। ये मानवता को बचाने की लड़ाई है, चुनाव अपनी जगह पर है, चुनाव के काम होते रहेंगे, राजनीतिक दल अपनी भूमिका अदा करते रहता है, लेकिन अभी पक्ष विपक्ष का दौर नहीं है। अभी एक ही दुश्मन है, वो है कोरोना, दूसरा कोई दुश्मन नहीं है। और कम से कम यह महसूस अगर राजनीति में रहने वाले लोगों को नहीं होगा तो आम आवाम से उम्मीद कैसे की जा सकती है? उनकी भावनाओं को भड़काने का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सहलाने का काम करना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि पीड़ा की स्थिति है, आपकी जीवन रक्षा के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आप अगर मुंबई में हैं, सूरत में हैं, दिल्ली में हैं, वहाँ भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपका जहाँ पैतृक गांव है वहाँ भी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए निवेदन यही करना है, जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, तनाव है, परेशानी है, संकट है, परिवार से मिलने की बेचैनी है जो स्वाभाविक है, लेकिन इस रोग का निदान केवल एक ही बताया गया है कि सामाजिक रूप से जो दायित्व सौंपा गया है उस दायित्व को स्वीकार करिए, मन से बेमन से, लेकिन दिल से जरूर कहिए कि कोरोना को हराएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे सूचना प्रसारण मंत्री नीरज कुमार, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो लॉकडाउन का नियम का पालन है वो लोग आप लोग घर बैठे कीजिए, और जो इस संकट में महामारी से लोग जूझ रहे हैं उनको भी धैर्य बनाने की ज़रूरत है। साथ ही विपक्ष का जो काम है वो अपना कर रहे हैं, लेकिन अभी जो बिहार सरकार की जो फिलहाल जिम्मेवारी है वो अपना जिम्मेवारी कर्तव्य जो है वो पालन कर रही है। आप भी इनकी बातों से सहमत होंगे तो इस खबर को खूब शेयर कीजिए अपने परिवार, दोस्त, महफिल सबके साथ में, क्योंकि जानकारी सभी को होना बहुत ज़रूरी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी अपना ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद।